राधे राधे गाइस, यहाँ से शुरू होते हैं हमारी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सुबह के खाने में बनाने वाले हैं प्रोटीन रिच दाल चावल और सिंपल रोटी। गाइस, मैंने ये दाल उबलने के लिए रख दी है, इसमें 4-5 सीटी आ जाएगी, उसके बाद हम इसमें छौंक लगाएंगे। अब मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ और इसमें 4-5 सीटी लगा लेती हूँ। जब तक हमारी दाल उबलती है तब तक हम चावल तैयार कर लेते हैं। ये मैंने गर्म पानी ले लिया है, उसमें ये चावल बासमती चावल गर्म पानी में डाल दूंगी ताकि नीचे लगे ना। और अब हमने दाल में छौंक लगा दिया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डालकर सर्व करूंगी। लो जी, हमारी दाल तैयार हो गई है, अब हम इसको गर्मा गर्म खाएंगे। अब इसके बाद मैंने अपने कपड़े धोने की तैयारी शुरू कर दी है, अब मैं वॉशिंग मशीन को लगाऊंगी। गाइस, एक बात तो है, कपड़े धो फिर सुखाओ फिर इनको तय करके रखो और फिर इनकी हफ्ते में परहेज करो, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। गाइस, इसके बाद हमने गुड़िया को निला दिया है, इसके नहाते टाइम की मस्ती स्टार्ट हो गई है। अभी ये अपनी मर्जी से आराम से लेने आ रही है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, ये रोज ऐसे ही करती है। और इसके हाथ में जो डब्बा है ना, इसका फेवरेट है, ये इसी को लेके तभी नहाती है, वरना नहाती नहीं है, ये रोने लग जाती है। अब इसको नहला दिया है गाइस, अब ये जिद कर रही है कि मुझे बकेट में जाना है, इसलिए हम इसको बकेट में छोड़ देंगे। अब देखो इसकी मस्ती, अब स्टार्ट हुई मस्ती तो इसकी। अभी गुड़िया की बिना लाइसेंस के गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अभी ये इधर उधर घूमती फिरेगी, कभी इस अलमारी को खोले कभी उस अलमारी को, आप देख सकते हैं कैसे ये कर रही है। गाइस, मैंने शाम के खाने में तंदूरी रोटी बनाई है, इसके लिए मैंने गेहूं में बेसन अजवाइन कसूरी मेथी नमक और 1 चम्मच घी डाल लिया है। अब इसको अच्छे से मसल लेंगे और अपना एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद हम एक चॉपर में 4-5 प्याज कट कर लेंगे। गाइस, मैं अपनी 4-5 प्याज कट कर लेती हूँ, मेरी 4-5 प्याज कट हो गई है। अब मैं इसके बाद धनिया और हरी मिर्च कट करूँगी। मैंने इसमें खूब सारा धनिया और 3 हरी मिर्च कट कर ली है, अब हम इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। अब इसमें अपने मसाले ऐड करूंगी। गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग भी मसाले ऐड कर सकते हैं, मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने इसमें मसाले ऐड कर लिए हैं। अब हम हमारी रोटी बनाएंगे, इसके लिए मैंने आटा किलो ही बना लिए। अब इसको मैं बेल लूंगी और इसमें दोनों साइड पानी लगा लूंगी। गाइस देखो, मैंने एक साइड पानी लगा दिया, इसके बाद मैं दूसरे साइड भी पानी लगाऊंगी, क्योंकि तंदूरी रोटी बनाने के लिए थोड़ा पानी लगाना पड़ता है और तवा थोड़ा गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म करोगे तो ये रोटी नीचे से लग जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी। गाइस, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना किस किस को तंदूरी रोटी पसंद है। अब मैं इसको तवे पर डाल देती हूँ और
ऊपर वाली साइड पे मैं इसमें प्याज लगा देती हूँ। अच्छे से प्याज लगा देना गाइस इसमें, जितने आपका मन करे। मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। अब मैं इस प्याज को इस पे अच्छे से फैला दूंगी और दबा दूंगी। गाइस इसको अच्छे से दबा देना ताकि इसमें चिपक जाए और हटे ना। अब इस तवे को मैं उल्टा करके गैस पे लो फ्लेम पे सेकूंगी। गाइस देखिए, अब मैं इसको अच्छे से दबा दिया है। अब हम इसको तवे पे सेकेंगे। गाइस ध्यान रखना, तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लो फ्लेम पे अच्छे से सेकेंगे। गाइस देखो, मैं अब आराम से चारों साइड से अच्छे से इसको सेक लूँगी। ये लीजिए गाइस, हमारी तंदूरी रोटी तैयार है। आप इसमें बटर या घी लगाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।